नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळर आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा, एहा सहित शुभ अभिनंदन मध्य। दर्शक बंधु, चाणक्य निजर नीति रे मनुष्य को अनेक गुड़िए विशेष कथा संपर्क रे सूचना देइछंती। चाणक्य तांकर नीति रे मनुष्य को सबु प्रकार असुविधारु मुकुळिबार बाट मध्य बताई देइछंती। चाणक्य तांक नीति रे पाप पुण्य धर्म अधर्म एवं कर्तव्य संपर्क रे मानव समाज को ज्ञान मध्य प्रदान करिछंती। चाणक्यंकर नीति पालन करिले आपण माने कोनोसी प्रकारर विपदरे पड़िबे नाही। चाणक्य तांकर एहि नीति रे लोकमाने किपरि शीघ्र बुढ़ा न होई जांती से विषय रे किछि कथा कहिछंती। किपरि एथिरु आपण माने रक्षा पाइबे से संपर्क रे चाणक्य तांकर नीति चतुर्थ अध्यायर 17 नंबर श्लोक रे एही कथाटी कहिछंती। अघवा जरा मनुष्यणां बाजिनां बंधन जरा अमैथनं जरा स्त्रीणां वस्त्रणे मातपो जरा। अर्थात जो व्यक्ति सर्वदा यात्रा करुथांती से माने नियमित न हेबा कारणरु शीघ्र वृद्ध होइ जाइथांती। यात्रार क्लांत एवं ठीक बाबरे खाद्य पानीय अभावरु एहा तांकर शरीर उपरे विपरीत प्रभाव पकाई थाए, फळरे व्यक्ति शीघ्र बुढ़ा हो जाए। ठीक सेहिपरि भावरे घोड़ा मुक्त भावरे बुलिबा प्राणी हेले मनुष्य जदि घोड़ा को बांधी रखि थाए बा पोसा मनाई दिए ताहले से खूब शीघ्र बुढ़ा हो जाए, कारण एहा तार शारीरिक प्रकृतिर प्रतिकूल प्रभाव जोगु ही एपरि होइथाए। स्त्रीमानक संपर्क रे चाणक्य कहिछंती जदि पति निजर पत्नी को शारीरिक सुख दे न पारे बा सेथिरे से संतुष्ट करि न पारे, फळरे एहा तांक शरीर उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाइथाए एवं तांकर स्त्री बहुत शीघ्र वार्धक्य रे परिणत होइ जाइथांती। जेपरि मनुष्यर पोषाक खरारे पड़ी शीघ्र बुढ़ा बा नष्ट होइ जाइथाए। दर्शक बंधु, चाणक्यंकर एही सबु नीति को आपण माने निजर दैनंदिन जीवन रे आपणंतु, सुस्थ जीवन अतिवाहित करंतु, निरोग जीवन अतिवाहित करंतु, दीर्घायु रहंतु। धन्यवाद। घरे टेंशन, बाहर भी टेंशन, पुअर चाकरी पाई हो, झीर बाहा घर पाई हो, घरे अशांति, मुंडो परे ऋणर बोझ, कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद, ए सब भितरे आपण माने घंटी होउछंती ना? ए सब टेंशन रो मुकुलिबार रास्ता खोजुछंती कि जानिबा को चाहुछंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो? देखंतु भाग्य चक्र, आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइपारे आम कार्यक्रम भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 केवल डीटीवी ओडिया रे। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।